नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यदेव निसार अपने YouTube चैनल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे जो हमारी बिजली बिल से संबंधित किसी भी कंप्लेन किए हैं उसका स्टेटस कैसे चेक करना है। तो जैसे हमारा बिजली का जैसे कहीं ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है या कहीं तार वायर गिर जाता है या फिर मीटर में जो हमारी बिल है वो गलत दिखा रहा है, ज़्यादा दिखा रहा है, तो उस पर जो मैं ऑनलाइन जो कंप्लेन किया हूँ ऑनलाइन कंप्लेन, उसका स्टेटस कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक गया है, कहाँ तक सुनवाई हुई है, उसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे, तो पूरी डिटेल में वीडियो बनने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो की तरफ मूव ऑन करते हैं और बताते हैं उसका जो स्टेटस है उसे कैसे चेक करेंगे। बिजली बिल से संबंधित कोई भी शिकायत हो उसे कैसे उसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे, पूरी डिटेल में वीडियो देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ मूव ऑन करते हैं और आपको फोन स्क्रीन पे आकर आपको बताते हैं ऑनलाइन उसे कैसे चेक कर सकते हैं। मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। फ़ोन के स्क्रीन पे आने के बाद दोस्तों मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया हूँ। आप चाहे तो गूगल या क्रोम ब्राउज़र का उपयोग कर सकते हैं। तो मैं अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र का उपयोग कर रहा हूँ। तो क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर 3 डॉट दिया है, इस पर क्लिक करेंगे। 3 डॉट पर इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ऑप्शन मिलेंगे कुछ, यहाँ पर लिखा है डेस्कटॉप साइड। डेस्कटॉप साइड में इस बॉक्स में आपको इस पर क्लिक करके ट्रिक कर देना है, डेस्कटॉप साइड में चले जाना है। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप साइड में चला आया हूँ क्रोम ब्राउज़र में। उसके बाद सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है UPPCL। सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है UPPCL। दोस्तों UPPCL टाइप करने के बाद यहाँ सर्च करा देना है। यहाँ पर सर्च कराने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगी। इंटरफेस इस प्रकार से खुलने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी वेलकम टू उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक कर लेंगे। इस वेबसाइट को क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा वेबसाइट जो खुल जाएगी। उसके बाद ऊपर स्लाइड करते जाएंगे, यहाँ पर दोस्तों ऊपर स्लाइड करते जाएं, यहाँ पे देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ हो बी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश। उसके बाद यहाँ पर फिर ऊपर स्लाइड करते जाएं, ऊपर स्लाइड करते जाएंगे तो हमारा एक यहाँ पे ऑप्शन आएगा ये वाला, देख सकते हैं इसमें लिखा है कंप्लेन स्टेटस। तो कंप्लेन स्टेटस हमें चेक करना है तो यहाँ पर लिखा है ट्रैक कंप्लेन, दूसरा ऑप्शन ये वाला, यहाँ पर लिखा है ट्रैक कंप्लेन, उस पर हमें क्लिक करना है। तो ट्रैक कंप्लेन पे मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार के आपको इंटरफेस खुल जाएगी। तो इस प्रकार से इंटरफेस खुलने के बाद दोस्तों डेस्कटॉप साइड का ध्यान रहे, डेस्कटॉप साइड में हमारा जो क्रोम ब्राउज़र है रहना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से आपको पेज खुल जाएगी। खुलने के बाद दोस्तों यहाँ पर पूरे दिया है कंप्लेन करने वाला ऑप्शन, जैसे कि कृपया पहले ज़िला चुने। तो मैं पहले एक वीडियो बनाया हूँ जिस पे कंप्लेन कैसे किया जाता है ऑनलाइन, जैसे कि आपके गांव में या शहर में ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाती है या मीटर में बिल ज़्यादा आता है या फिर कहीं तार वगैरह टूट जाता है और कोई सहायता नहीं करता है, तो आप ऑनलाइन कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, कैसे सरकार से शिकायत कर सकते हैं, वो लोग आकर आपको कंप्लेन जब देखेंगे तो आपको जो समस्या उसको सॉल्व करेंगे। तो मैं एक वीडियो बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कैसे कंप्लेन करना है। यदि आपके गांव में ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए, मीटर ख़राब हो जाए, काम ना करे या ज़्यादा बिल बताए या कहीं तार वगैरह टूट जाए, तो उस पर मैं एक वीडियो बनाऊँ कैसे कंप्लेन करना है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो मैं इसमें सिर्फ चेक करूँगा कंप्लेन करने वाला जो स्टेटस है हमारा कहाँ तक पहुँचा है, उसे कैसे चेक करना है मैं इसी वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस को चेक करने के लिए यहाँ पर 3 डॉट दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे 3 डॉट दिया है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ 3 डॉट पे क्लिक कर लेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे AS और 2 पेंसिल का निशान आता है, तो हमें दूसरी पेंसिल वाले निशान पे क्लिक करना है, ये वाला पेंसिल दोस्तों, ये वाली पेंसिल है, उस पर क्लिक करना है, 2 बार टैप करना है। तो इस पर जो हमारी पेंसिल है उस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको पेज खुलेगी। तो पेज खुलने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर मांग रहा है, इस बॉक्स में आपको मोबाइल नंबर मांग रहा है, देखिए मोबाइल नंबर लिखा है। और दूसरी वाली जो बॉक्स है ये वाली,
इसमें आपको डालना है कंप्लेन नंबर, जो लिखा है कंप्लेन नंबर बॉक्स दिया आगे, तो इसमें कंप्लेन नंबर डालना है। तो जब आप कंप्लेन करेंगे ऑनलाइन तो उसमें आपको मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आती है, मैसेज में कंप्लेन नंबर लिखा होता है, तो वही कंप्लेन नंबर इसमें डालना है। तो मैं इसमें कंप्लेन नंबर डालूँगा, तो इस पर क्लिक करेंगे जो हमारी कंप्लेन नंबर की बॉक्स है उस पर, और मैं अपना इसमें कंप्लेन नंबर डालूँगा। तो मेरा कंप्लेन नंबर, आप अपना कंप्लेन नंबर डालें, मैं अपना कंप्लेन नंबर डाल लेता हूँ जो मैंने कंप्लेन किया था मैसेज के थ्रू आया था हमारे मोबाइल नंबर में। तो यहाँ पे हमारा है PU1503 1503 210021 00 73। तो ये हमारा कंप्लेन नंबर है। तो कंप्लेन नंबर मैंने टाइप कर लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है सर्च कंप्लेन, ये वाला, यहाँ सर्च कंप्लेन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम सर्च कंप्लेन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेज है वो खुल जाएगा। खुलने के बाद दोस्तों देख सकते हैं, मैं कुछ दिन पहले अपना डाला हूँ, लगभग एक दिन हुआ, तो अभी हमारा पेंडिंग में है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है पेंडिंग, कंप्लेन स्टेटस के सामने लिखा है पेंडिंग। यदि हमारा बात और आगे गई होती तो यहाँ पे पूरा डिटेल दिखाता। तो मैं एक दिन हुआ अभी डाले हुए कंप्लेन, तो यहाँ पे पेंडिंग में है अभी, अभी हमारा कंप्लेन जो है पेंडिंग में है, यहाँ दिखा रहा है। यहाँ पे ऊपर स्लाइड करते जाएं दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर पूरी डिटेल दिया है, कंप्लेन नंबर दिया है इस तरह से, कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर, और उसके बाद आप नीचे स्लाइड करते जाएंगे तो बहुत जो मैंने आपको बताया था सब डिवीज़न में सीसमा जो मैंने कंप्लेन डाला था पूरा डिटेल उसका दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं जेई का मोबाइल नंबर दिया है यहाँ पे दोस्तों, ये जेई का मोबाइल नंबर दिया है, यहाँ पे एई का मोबाइल नंबर दिया है। इस मोबाइल नंबर पर आप फ़ोन करके आप उससे कुछ जानकारी भी ले सकते हैं। फिर यक्स EN मोबाइल नंबर दिया है, और यहाँ अकाउंट नंबर दिया है, सारा दोस्तों पूरी डिटेल दे दिया है। आप चाहे तो उन लोगों के फ़ोन पे फ़ोन करके कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इसी तरह से कंप्लेन हमें चेक करना है। तो हमारा कंप्लेन अभी पेंडिंग में है, जैसे ही हमारा पेंडिंग समाप्त होगी मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा। दोस्तों देख सकते हैं हमारा पेंडिंग में, यहाँ पर कंप्लेन स्टेटस पेंडिंग, तो हमारा अभी पेंडिंग में है, और आगे जाएगा तो पूरा जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों यहीं तक हमारा वीडियो था, ऐसे ही अपने कंप्लेन जो डालें उसे इसी तरह से चेक कर सकते हैं कि हमारा कंप्लेन कहां तक गया है, कहां तक सुनवाई हुई है, कहां तक नहीं हुई है। तो हमारा भी पेंडिंग में, मैंने एक दिन हुआ भी डाले हुए, तो हमारा जो स्टेटस वो आगे बढ़ेगा, तो जैसे वहां पे पेंडिंग की जगह सारा स्टेटस लिखता जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो से कुछ जानने सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहीं तक हमारा वीडियो था, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।